आंखें भरी भरी सी है दिल अष्टवार है, सदियों से मोल हमको तेरा इंतजार है। पर्दे से आके देखो जरा फातिमा के लाल, वीरा तुम्हारी माँ का अभी तक मजार है। वीरा तुम्हारी माँ का अभी तक मजार है। यकीनन 21 सालों से अलहाज डॉक्टर फखरुद्दीन रिज़वी साहब की क़यादत में मलाड मालूमी में ये जुलूस इंतजार बरामद हो रहा है। दीगर उलमाए किराम ने तकारीरें की और जैसा कि अभी मौलाना कबीर खान बदीरी साहब कुबला ने कहा दाइश के हवाले से जिक्र किया। उससे पहले मैं उलमा से इजाजत देते हुए बात करना चाहता हूँ। आप यकीन करें कि जन्नतुल बकी के इस एहतजाज से हज़रत भाई जन्नतुल बकी के इस एहतजाज से यकीन जन्नतुल बकी तामीर नहीं हो सका, लेकिन अगर आज गुंबदे खिज़्र पर पैगंबर की मस्जिद पर मीनारें बाकी हैं तो ये सदका है एहतजाजी जन्नतुल बकी का, नहीं तो वहाबियों ने अब तक उसे भी मिसमार कर दिया होता। और जैसा कि डॉक्टर फखरुद्दीन रिज़वी साहब ने कहा, 7 नंबर का जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपसी इत्तेहाद के हवाले से उलमा का बहुत बड़ा जलसा था और अहले सुन्नत के मुकर्रर ने बात वहां पे की कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जन्नतुल बकी के लिए आवाज उठाई होती तो आज किसी में हिम्मत नहीं थी वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर देता। तो ये जो आप कह रहे थे और आखिरी जुमला, 1 मिनट का वक्त, आखिरी जुमला, अक्सर उलमाए किराम से आपने सुना होगा और मैंने शेर भी इसीलिए पढ़ा था कि जब हमारे और आपके आखिरी कलाम का ज़हूर होगा तो वो खाने काबा में होगा। अक्सर मैं सोचा करता था अगर हम यहाँ परेशान हैं, अगर हम चाहते हैं शहजादी का रोजा बन जाए जैसा कि मौलाना ने कहा इजाजत नहीं देते हैं, जबरदस्ती नहीं, मुहर्रम जब आता है जैसे ही फलक पर मुहर्रम में चांद नमूदार होता है हमारी घर की खवातीन अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है। 9-10 करोड़ शिया इस वक्त हिंदुस्तान में है, अगर 5 करोड़ खवातीन 10 रुपये की अगर एक औरत से आप रख लें चूड़ियां तोड़ती सोचे डॉक्टर साहब आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम सिर्फ आले सहूल इजाजत देंगे तो हमारी माँ बहने अपने सेलान बचाकर शहजादी का शानदार रोजा जन्नतुल बकी में तादी करेंगी। और दोनों हाथ उठा के आखिरी जुमला मैं कह रहा था इमाम का जरूर, अक्सर मैं उलमा से सुना करता था कि खाने कालों में इमाम का जरूर होगा, इमाम को शहजादा बिछाएंगे, क्या वजह है कि मौला कर्बला में जरूर नहीं फरमाएंगे। तो जहां तक मुझे एहसास हुआ, जहां तक मैंने महसूस किया, जहां तक मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा यही कहता है कि खुदा को शायद आले काबा में वक्त के इमाम का ज़हूर कराकर आले सऊद को फिनदान करके जन्नतुल बकी में अपने हाथों से बेटा अपनी माँ का शानदार रोजा तामीर करेगा। बाबा से बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।